हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में कलर फ्लाई में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक लैम्प, छोटा सा लैम्प बार्बी डॉल के लिए कैसे बनाना है। या तो अक्सर सबके हमें बार्बी डॉल होते ही है, जस्ट लाइक बहुत लड़कियों के पास बार्बी डॉल होते हैं। तो बार्बी डॉल के हाउस में या ऐसे ही सिंपल एक टेबल बनाएंगे। टेबल मैं बनाना सिखा नहीं रही हूँ, टेबल होगा बार्बी डॉल का छोटा सा, उसके ऊपर एक लैम्प, छोटा सा लैम्प। बनाने के लिए आपको जरूर सबसे पहले जरूरत होगा एक टूथपिक का, देख सकते हैं टूथपिक आप सबके पास अवेलेबल होता ही, आप सबके घर। उस टूथपिक का जो पीछे का एक एक तरफ नोखिला होता है और दूसरी तरफ ऐसा होता है कुछ टूथपिक में, तो जिस तरफ ऐसा होता है और एक साइड में ऐसा नोखिला होता है और एक साइड में ऐसा, तो जिस तरफ ऐसा होता है उस तरफ को हम आपको थोड़ा सा काटना होगा, जहाँ तक देख सकते हैं। देखिए मैं इतना काटने आई हूँ, तो उस चोट भी थोड़ा मोटा होता है, उसे काटने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जहाँ से आप काट रहे हैं वहाँ पे आपको मोड़ के रखना होगा, थोड़ा मोड़ना होगा। उसके बाद अगर आपके आंचे से काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। और ऐसा करिएगा कि ऐसे काटिएगा जैसे पूरा प्लेन कटना चाहिए। अगर काटने के बाद प्लेन नहीं रहा तो उसे प्लेन करने के लिए आप कोई भी सरफेस में, जैसे कि जमीन में ही अगर आप इसको घिसेंगे तो ये प्लेन हो जाएगा। जमीन में ही नहीं, मानिए कि एक कॉपी में, देखा मैंने इस कॉफी को लिया है, यहाँ पे मैं अच्छे से घिसूंगी। तो थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा, या फिर आप जमीन में भी कर सकते हैं। और आई होप आपको, मुझे आपको दिखाना नहीं होगा कि जमीन में कैसे करना, आप लोग को तो पता ही होगा जमीन में कैसे करते हैं। तो जमीन में प्लेन करने के बाद आपको जरूरत होगा, अभी जो मैं आपको चीज सिखाऊंगी वो आप सबके घर में अवेलेबल होगा ही, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अब से बहुत लोग कलेक्शन करके रखते हैं नए चीजों का, टूटे हुए चीजों का, जैसे कि मोतिया और क्या क्या नेकलेस में जो लगा रहता है वो सब टूटा हुआ और बहुत कुछ होता है। मैंने भी रखा है, तो मैं आपको उनमें से एक चीज दिखाती हूँ जो इसमें जरूरत होगा। तो आपको जरूरत होगा एक ऐसा चीज, हाँ तो मैं इसके बारे में कह रही थी, ये घंटी के जैसा एक तो है, इसके ऊपर होल था नहीं पर कुछ लगा हुआ था जो टूट गया तो होल हो गया, पर आपके पास अगर टूटा नहीं होगा तो अगर आपको एक ऐसा चीज चाहिए इस शेप का, मतलब कि ऐसा जो लैम्प के लिए स्टैंड बन सके, खड़ा रहे जो, और उसके ऊपर होल हो ताकि ये टूट भी हम उस पर घुसा सके, ऐसा चीज आपको चाहिए। और चलिए उसके बाद आपके पास जो टूथपिक है उसका जो नोकीला पार्ट आप देख सकते हैं, उधर आप इसे लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा। आप एक फ्लावर जैसा भी ले सकते हैं, फ्लावर जैसा एक होता है इसी शेप का, जिसको उल्टा करने से वो ऐसा दिखता है और जिसमें होल होता है, ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो अच्छे से हम घुसा देंगे। उसके बाद अगर आपके पास पर्स होगे मोती, तो आप देखिएगा कि आपके पास ऐसे पर्स होगे जो इसमें घुस सकेंगे,
घुसने से भी यहाँ तक सिर्फ नहीं घुस पाएंगे, पूरा यहाँ तक घुस पाएंगे वैसे पर्ल्स। और अगर नहीं होंगे, मेरे पास भी वैसे पर्ल्स नहीं थे, मतलब मोती नहीं थे, इसमें इतना बड़ा होगा होल होगा कि वो यहाँ तक पहुँच पाए, मेरा सिर्फ यही तक पहुँच जा पा रहा था क्योंकि उसमें छोटा होल था। तो उसके बदले हम एक चीज़ ले सकते हैं जो कि मैं अभी दिखाती हूँ, वो ये था, देख सकते हैं एक चीज इसमें बीच में होल है, ये तो गोल्डन कलर का है। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा ये जो है स्टैंड वो भी गोल्डन कलर का है, तो उसके ऊपर दोनों मैच करेगा, नहीं तो आप दूसरा सिल्वर कलर का भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आपको एक ऐसा मोती ढूंढना है जिसका होल बड़ा होगा। ये है एक मोती पर्ल, इसमें होल जो है, मैं उसको घुसाऊंगी टूथपिक में तो वो यहाँ तक पहुँच पा रहा है, सिर्फ यहीं तक पहुँच पा रहा है। तो इसीलिए मैं मेरा जितना भी मोती है, कोई भी मोती यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये नहीं होगा तो आपको ऐसा मोती ढूंढना होगा जो पूरा यहाँ तक पहुँच पाए। तो मैं क्या करूँगी, पहले वो स्टैंड को यहाँ पे लगा दूंगी, स्टैंड को लगाने के बाद ये जो मैंने लिया है पल मोती के बदले, मैं उसे ऊपर तरफ से घुसाऊंगी और ऐसा करूंगी कि आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, ऐसा दिखेगा तब वो असली में जब दिखेगा तब और भी अच्छा दिखेगा। ओके, मेरा होल है वो थोड़ा टेढ़ा है इसलिए दंडा टेढ़ा रह रहा है, मैं फिर भी उसे ऐसे करके सीधा कर दे रही हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं ये लैम्प जैसा दिख तो रहा है, ये जो है नीचे ये लैम्प का स्टैंड है, ये ऐसे खड़ा रह पा रहा है सिर्फ इस स्टैंड की वजह से, स्टैंड है उसके वजह से ये खड़ा रह पा रहा है। इसीलिए मैं आप लोग को ऐसा एक चीज, ऐसे ही शेप का चीज लेने की आई थी जिसके वजह से ये खड़ा रह पाए। तो ये अभी ऐसे दिख रहा है। अब हमें आप दिखाती हूँ, आपके पास डिब्बा तो होगा ही, छोटे छोटे पतले पतले डिब्बा, दवाई के डिब्बा, जैसे टैबलेट के डिब्बा। ये एक टैबलेट का डिब्बा था, इसका छठा टैबलेट खत्म हो गया है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि हमें इसका ढक्कन चाहिए, तो ये जरूर देखिएगा कि इसका ढक्कन इतना बड़ा साइज का ही हो, इतना ही छोटा साइज का हो जो ये लैंप पर अच्छा लगेगा, जितना ये लैंप पर ठीक लगेगा। हम इसे फेविक्विक से चिपकाएंगे। तो ये जो ढक्कन है, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, उसके उसमें हम सजाने के लिए एक लेस लगाएंगे। लेस जो होगा, अगर वो बड़ा होगा थोड़ा, उसका डिज़ाइन मतलब चौड़ा होगा, तब आप उसे थोड़ा काट दीजिएगा और इतना पतला कर दीजिएगा। और अगर वो बहुत नरम होगा, मतलब थोड़ा सा हल्का नरम होगा, तो उसमें आप थोड़ा सा फेविकॉल वाला ग्लू लगा कर छोड़ दीजिएगा, जब सूख जाएगा वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जैसे कि मैंने किया है, ये हार्ड हो गया है। अब देखिएगा इसे हम यहाँ
पर ऐसे लगाएंगे, ये भी फेविकॉल से चिपक जाएगा। ऐसे पूरा हम लगाएंगे सजाने के लिए। और आप माफ़ लीजिएगा अपने ढक्कन के हिसाब से कि आपको कितना बड़ा लेस चाहिए। अगर बड़ा होगा तो काट लीजिएगा, छोटा होगा तो और एक तो ले लीजिएगा। तो इस लेस को अब हम चिपकाने वाले हैं इसमें ढक्कन में। तो चिपकाने के लिए आपको फेविकॉल वाला ग्लू चाहिए, जो अक्सर सबके घर में होते हैं, क्योंकि ना ही फेविगम वाले ग्लू से चिपक पाएगा। या अगर आप चाहें तो हॉट ग्लू गन या फिर फेविक्विक भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे चिपका देंगे। आप देख के चिपकाएगा सीधा तरफ जहाँ पे होगा। चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप क्या है, आप इसे उल्टा करके सूखने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि सीधा करके सूखने के लिए ये जो लेस आप थोड़ा सा बाहर निकाल के रखे वो अंदर और नीचे आ जाएगा। तो तब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। और अगर आपको एक तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो आप और भी लगा सकते हैं, मोतियाँ भी ये भी लगा सकते हैं। इसकी तैयारी तो हो गई, अब बस हमें यहाँ पे इसे ऐसे लगा देना है। ये आप देखिएगा ये कितना सुंदर लैम्प दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे बनाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है। तो शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, दबाइएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा ये लैम्प बनाने का तरीका, और आपका लैम्प जब बनाए आपने बनाया या नहीं, आप वो लैम्प कैसा बना, अच्छा बना कि नहीं। तो फिर चलिए, तो अब ये सूख चुका है आप देख सकते हैं, और ये भी ठीक ही लग रहा है। और आप साइज भी देख लीजिए कि आपके बारबी डॉल के हिसाब से ये लैम्प छोटा है कि बड़ा है। ऐसे तो ये इतना भी बड़ा नहीं लगता है, फिर भी चलेगा। मेरे बारबी डॉल के हिसाब से तो ये लैम्प ठीक ही है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा। आप अपनी बारबी डॉल के हिसाब से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बारबी डॉल का जो है ये फ्रॉक इतना उठा हुआ कैसे हुआ है और वैसा कैसे बनाना है। आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर चलिए, अभी आपको ज़रूरत, और अगर आपको कुछ और भी डिज़ाइन देना है यहाँ पे तो आप दे सकते हैं,
उसमें कोई एंट्रेंस नहीं है, आपको अपने मन से यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देना है तो आप दे सकते हैं। तो फिर अभी आपको ज़रूरत होगा फेवी क्विक, वो हर जगह अवेलेबल तो होता है नहीं, आप वो कोई भी दुकान से खरीद सकते हैं, कोई भी दुकान से खरीद सकते हैं। लिक्विड वाला भी मिलता है और सिंपल पैकेट वाला, मतलब एक ऑरेंज जैसा भी मिलता है, तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा चिपकाने के बाद दिखाती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोग से कहा तो था कि मैं फेविक्विक से चिपकाऊंगी, लेकिन फेविक्विक से चिपक नहीं रहा था प्लास्टिक का डंडा, इसलिए हमें जो ढक्कन था वहाँ पे कील लगा के हटाड़ा से एक होल करना पड़ा। उसके बाद डंडा को घुसा के टाइट से करके हमने लगाया, और अब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा हूँ क्योंकि मेरा टेढ़ा था थोड़ा सा। और अगर अभी भी आपको ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तब आप यहाँ इस डंडा को थोड़ा और छोटा काट सकते, इस डंडा को और थोड़ा काट सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर। बाल को भी पसंद आया है ना दोनों, मैं इसे पूरी अच्छे से बैठा नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लगाया अच्छा दिखने के लिए। तो पर डॉल के लिए ये साइज ठीक ही लग रहा है, अगर आप चाहें तो बड़ा साइज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मतलब इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में भी लिखिए कि आपको मेरा लैम्प कैसा लगा और मेरा लैम्प बनाने का आइडिया। और ये भी मेरी डॉल, प्यारी सी डॉल कैसी लगी, और इसका ड्रेस। और अगर आपको वीडियो चाहिए तुरंत, इसका ड्रेस मैंने ऐसा कैसे किया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। बाय, टेक केयर।